नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत्सत प्रणाम है। आज हमें मिलने के लिए एक खास व्यक्ति आए हैं जो पिछले 4 साल से न्यू डाइट सिस्टम को 99% फॉलो करते हैं। इनका क्या अनुभव है, कहाँ से आए हैं, क्यों करते हैं, वो सारा का सारा हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मुकेश चिहाड़ी है जी। तो मुकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। तो कब से ये सिस्टम को आप फॉलो करते हैं? शुरुआत तो बहुत कम सिस्टम का पालन करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से 90% तक फॉलो करता हूं। अच्छा, और कितने साल से फॉलो कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा तो लगभग 4 साल से। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ जी। और कहाँ पे रहते हो? सिस्टम कहाँ पे आया? राजकोट का तालुका है जी। और आपने जो 4 साल से ये सिस्टम को फॉलो किया, तो पहले क्या प्रॉब्लम था और अब क्या फायदा हुआ? पहले मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ थी। तो आपका पहले वजन कितना था? पहले मेरा 74 kg था। आज कितना है? आज मेरा 57 है। तो कितना कम हुआ? अप्रोक्सीमेटली 16 kg जी। 16 kg वजन कम करके आए हैं और साथ में कितने और रोग? बहुत सारी बीमारियां थी, लगभग 12 से 15 तरह की बीमारियां मेरे शरीर में थी जी। और आज एक भी बीमारी नहीं, और 4 साल से मैंने एक भी दवाइयां नहीं खाई है जी। तो 15 बीमारी या 12 बीमारी जो भी थी, वो थोड़ी याद हो, जितनी हो तो बताइए कि कितनी दवाइयाँ खाते थे, दवाइयों में कितना खर्चा होता था? लगभग मैं दवाइयाँ जेब में ही लेके फिरता था, और मेरे घर पे भी जहाँ टेबल का खाना खोला तो वहाँ दवाइयाँ ही निकलती थी, और 15 दिन में मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था जी। तो मैं अपनी बीमारियों के बारे में बताऊँ तो पहली बीमारी मैं कहूँगा कि मैं बार बार बुखार आ जाना, 15 दिन में एक बार तो बुखार आता ही आता था। दूसरी बात कहूँ तो मुझे गले की एलर्जी थी, तो गला लाल हो जाना, और कुछ खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था जी। और आगे बात करूँ तो एसिडिटी, गैस, कब्जियात, फिसर, उसके बाद जॉइंट के पेन थे, और एक 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 दो बीमारियां मैं ऐसी बताऊंगा जो जिसका कोई इलाज ही शायद नहीं होगा, तो उसको कहते हैं हेड की जी। तो रात को मुझे हेड की शुरू हो जाती थी, और पूरी रात हेड की आती थी, बंद ही नहीं होती जी। तो वो भी अब मुझे कभी हेड की नहीं आती, और रात को कभी कभी नींद में जग जाता और उधरस आती थी। हाँ। तो पूरी रात उधरस ही आती थी, तो पूरी रात तो नींद नहीं आती थी और बीमार हो जाती थी। और ऐसी एक बीमारी को तो पूरे शरीर में खुजली जी। मैं पानी से बहुत डरता, पानी मुझे छुआ तो खुजली हो गई, तो पूरे शरीर में खुजली रहती, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी। निर्मला बेन, तो आपके हस्बैंड जो है, इनको 4 साल से आपने सपोर्ट किया कि आप जूस बना के देते हो, फल खिलाते हो इनको, तो आप भी साथ साथ में ये करते हो कि सिर्फ यही करते हैं जी? आप भी कितना फॉलो करते हो इनके साथ साथ में, मतलब कि दोपहर में खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? जी, तो आप दोपहर में क्या खाते हो? अच्छा, तो पेट भर जाता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आपको क्या फायदा हुआ? शरीर मड़ू ला गया, मजा आ गया। तो पहले मैं क्या खाता था कि भाई गोपाल के, बालाजी के, वो जो वेफर आते हैं, कुरकुरे आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं खाता रहता था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मार्केट में घूमने जाता हूँ, जो ऐसे फल दिखते हैं वो मैं ले लेता हूँ जी। टमाटर ले लेता हूँ, गोभी ले लेता हूँ, कुछ भी हो, पूरा थैला भर के आ जाता हूँ, और बढ़िया सा जूस बनाता हूँ, खाता पीता। आपके 15,000 अब अच्छी जगह पे जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और आज आप राजकोट से सुबह 6 बजे से निकले हो, और हाँ, यहाँ पे आने में कितने घंटे हुए? 5-6 घंटे? कितना? 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में बीच में आपको भूख लगी, तो आपने क्या खाया? बस हमने बीच में गाड़ी रोक दी और कैरी निकाली, कैरी की, और हम सबने कैरी खाई। तो आप देखिए कि ये जो है वो पूरी मैंगो की पेटी लेके आए हैं, और साथ में रास्ते में जितने भी पूरा है इनका सब लेके आए हैं इनको, तो रास्ते में सिर्फ और सिर्फ
मैंगो ही खाई है। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर हमें भूख लगती है तो पहले तो ऐसा होता था कि गोटा या भजिया या कुछ भी रास्ते में कचौड़ी या समोसा कुछ खा लेते थे, लेकिन अब ये सिस्टम को समझने के बाद आप ये भगवान का बनाया हुआ प्रसाद खा रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये पूछना चाहेंगे कि एनीमा के बारे में बताइए कि लोग डरते हैं, एनीमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका क्या अनुभव रहा? एनीमा से कोई नुकसान नहीं होता है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एनीमा तो आप हो सके तो डेली कीजिए, दिन में 2-3 बार कीजिए, और अगर आप तंदुरुस्त है तो वीक में कीजिए, 15 दिन में कीजिए, लेकिन एनीमा कीजिए आपसे जितना हो सके। तो आपने 4 साल पहले कितनी बार एनीमा किया और अभी कितना एनीमा करते हैं? पहले मैं इतना एनीमा नहीं करता था, लेकिन मैंने बाद में एनीमा शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, एनीमा से कोई नुकसान नहीं होता और फायदे बहुत होते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो एक बार जब बाथरूम में जाते हो कितनी बार करके आते हो? 2-3 बार, कभी 1 बार। जी, तो अच्छा लगता है, सफाई हो जाती है? बिल्कुल, बाथरूम से बाहर आते तो बहुत अच्छा लगता है। जी, और आप अभी अभी आपने कहा कि आप टीचर हो, तो पहले जो आप पढ़ाते थे, बच्चों को डांटते थे, आपकी जो आदत थी उसमें कुछ परिवर्तन आया हो? हाँ बिल्कुल, पहले मैं है ना बच्चों को मार ही देता था। जी, जो हाथ में आया उसको तोड़ डाला। जी जी, लेकिन अब मैं उसको बहुत ही प्यार से समझाता हूँ कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, और मैं अपनी पूरी स्कूल के स्टूडेंट को भी ये सिखाता हूँ। अच्छा। कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और जो उसको नहीं आता तो मैं उसको पर्सनली भी सिखाता हूँ। पहले तो बस मारना जी, कुछ भी हो और गुस्सा करना। तो आपका क्या मानना है कि आप जो बीमार है उसको ही एनीमा करना चाहिए या इतने छोटे बच्चे हैं उनको भी एनीमा करना चाहिए? हो सके तो सभी को एनीमा करना चाहिए जी, एनीमा से कोई नुकसान नहीं है तो क्यों ना करें जी, और सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, इसमें उम्र से कोई। तो आपके साथ में ये छोटी बच्ची आती है वो एनीमा करती है? हाँ, अभी उसने शुरू किया है और वो अपने आप ही कर सकती है जी। तो बेटा आपका नाम क्या है? साक्षी। और कहाँ पे रहते हो? सोफा। कितने साल की हो आप? और आप एनीमा करते हो? हाँ। तो कैसा लगता है जब आपने एनीमा किया, तो डर लगता था या फिर अच्छा लगता था? जी, अब जी, तो अपने आप करते हो या मम्मी करवाती है? तो आपने क्यों एनीमा करना चालू किया? जी, और किसने कहा कि एनीमा करना है? तो आपके मामा का नाम क्या है? कहाँ पे? जी, तो ये है, इनके मामा है और इनको पेट में दर्द हो रहा था तो ये बेटी को भी एनीमा करवाना सिखा दिया और ये बेटी खुद अपने आप करती है। बेटा बाथरूम में जब जाते हो तो कितनी बार एनीमा करके आते हो और कैसे करते हो? बैठ के, लेट के, खड़े होके कैसे एनीमा करते हो? लेट के करते हो, गंदगी निकलती है, अच्छा लगता है जी। और आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर के पास गए थे, पेट में दर्द है, आपको क्या बीमारी कही डॉक्टर ने? डायबिटीज। बेटा आप अभी पिछले कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हो, न्यू डाइट सिस्टम को? 4-5 दिन से। तो 5 दिन में क्या खाया? फ्रूट, जूस। जूस, तो फ्रूट में कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? मैंगो। आम अच्छे लगते हैं, तो आम से पेट भर जाता है। और मम्मी है, पापा है, आपके भाई है, वो सभी रोटी सब्जी खाते हैं, तो आपको खाने का मन होता है या आम खाना अच्छा लगता है? आम खाना अच्छा लगता है। दवाई खानी अच्छी है या आम खाना अच्छा है? आम खाना अच्छा जी। अब पेट में कम दुखता है या उतना ही दुखता है? कम दुखता है। कम दुखता है। तो ये इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, बेटा कितने साल की हो? 11 साल की बच्ची है, इसको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, इसको भी मामा ने सिखाया है कि एनीमा करना है और इसीलिए राजकोट से हमें मिलने के लिए आए हैं कि इनकी हम और भी कुछ मदद कर सके, इसको अच्छी तरह से समझा सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बेटी जो है वो इतनी मजबूत है कि जब से मामा ने सिखाया है कि फ्रूट्स खाना है, सलाद खाना है, तब से उसकी मम्मी के थाली में क्या है वो देखा नहीं है, खाया नहीं है, और वो केवल और केवल ये फ्रूट खाती है। बेटा जूस कौन सा पिया?
जी, तो रास्ते में कद्दू का जूस पी के आए और सुबह में लौकी का जूस पी रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची अगर फॉलो कर रही है तो मैं आपको संदेशा ये दूंगी कि बीमारी आने के बाद ये सिस्टम को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। बीमारी नहीं आए उसके लिए ये सिस्टम को फॉलो करना है। तो मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि ये बच्ची को जरूर से ठीक हो जाएगा। अगर 10 बार इंसुलिन ले रहे हैं तो 5 बार होगा, और 5 बार इंसुलिन ले रहे हैं तो 1 बार होगा। बेटा अभी कितनी बार इंसुलिन ले रहे हो? 4 बार। तो धीरे धीरे 1 बार हो जाए तो अच्छा है, या 4 बार करे तो अच्छा है? 1 बार। तो अब 1 बार ही करना पड़ेगा अगर आप ये भगवान का बनाया हुआ खाओगे तो। मुकेश भाई ये बताइए कि चाय है दूध की प्रोडक्ट है, वो अच्छी चीज है या गलत चीज है? ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि टीचर होके स्कूल में बुक में ऐसा पढ़ाया जाता है कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध पीना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? दूध छोड़ देते हैं तो बहुत सारी बीमारी अपने आप ही चली जाती है। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें हम ना खाए तो बीमारियां जो हो तो चली जाती है, और जो नहीं है तो आती नहीं है। तो मैं सबसे कहूँगा कि भाई दूध जिसका है उसको पीने। दूध मैं बहुत पीता था, तो मुझे दूध मैंने जब से छोड़ा तब से मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और 4 साल पहले जब आपका इतना 16 किलो वजन कम था और अभी आप दुबले पतले हो गए, तो लोग तो यही बोलते होंगे कि आप बीमार हो गए। हाँ, सभी कहते रहते हैं कि भाई ये क्या कर लिया आपका शरीर, ऐसा क्यों हो गया? तो मेरा जवाब होता है कि चलो मैदान पे जाते हैं और वहाँ पर क्रिकेट खेलते 2 घंटे, कौन थक जाता है? तो कोई भी नहीं तैयार होता। मैं कहता हूँ चलो बिना सीढ़ी के कहीं पर चढ़ जाते हैं। हाँ जी। आप तैयार है तो कोई मेरे साथ नहीं कंपटीशन करता जी। तो ये मेरी तंदुरुस्ती ही मेरा जवाब है जी। एक बार रनिंग भी कराइए, आपके स्टाफ में जितने भी टीचर्स लेडीज हो जेंट्स हो सबको रनिंग की कंपटीशन करवाइए, और बताइए कि आप खा के आए। मैं बिना खा के आया, चलो अब रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं। पहले मैडम आपने जैसे कहा ना, पहले ऐसा होता था कि मैं बीमार था और ये दूध में बहुत खाता था जी। तो जब बच्चों को पीटी के लिए ले जाते थे हाँ। दौड़ाने के लिए जी। तो दूसरे टीचर जो तंदुरुस्त होते थे वो दौड़ सकते थे, जाते थे, और मैं मैदान पे बैठा रहता था क्योंकि मैं दौड़ नहीं सकता था जी। लेकिन आज है ना वो सब बैठे रहते और मैं दौड़ता रहता। आपके लिए मुझे ताली बजानी होगी। और मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत पहले से ही शौक था, लेकिन मैं बीमार हो गया तो मैं बिल्कुल खेल नहीं पाता था। आज बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खेल लेता हूँ, बहुत आनंद आता है। तो मेरा ये एक नया जन्म है ऐसा कह सकते। तो लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि कब तक ये सिस्टम को, आप कितने साल के हो? 38 जी। तो अभी जिंदगी में जितने भी भगवान जिंदा रखे कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? जब तक जिंदा है जी। अब वो खाना नहीं, अब जो अच्छा है तो अच्छा ही लेंगे ना जी। तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल भी बताइए कि सुबह क्या खाया, दोपहर क्या खाया, शाम को क्या खाया, कितना खाया, वो बताइए। सुबह उठते ही मैं पहले तो पानी पीता हूँ या कोई अच्छी नेचुरल टी बनाता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ कि जब तक भूख ना लगे तब तक मैं कुछ नहीं खाता। जैसे मुझे भूख लगेगी 9 बजे 10 बजे तो उस वक्त मैं जो फ्रूट अवेलेबल हो ना पहले मैं फ्रूट ही खाता रहता हूँ। और कभी कभी मेरे टेरेस पे मैंने ऑर्गेनिक टेरेस गार्डन बनाया है जी। तो वहाँ बहुत सारी पत्तियाँ मिल जाती है तो मैं जूस भी बना लेता हूँ, तो जूस पी लेता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, और इसी तरह से मैं पूरा दिन बिता देता हूँ। और शाम को ऐसा लगे कि भाई कुछ खाना है तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा मैं फ्रूट खाता हूँ, और लगभग पूरे दिन में मैं 2-3-4 किलो फ्रूट खा जाता हूँ। मुकेश भाई पूरे समाज को पूरे देश को कुछ संदेश दीजिए कि हेल्दी कैसे रहेंगे? हेल्दी रहने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना है। अच्छा, वाह। जैसे कि जो बार बार जो नहीं खाने जैसी चीजें है उसको छोड़ दीजिए, और जो भगवान ने दिया है उसको खाइए। आप अपने आसपास देखिए और भगवान ने क्या बनाया, तो आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे फ्रूट आपको मिलेंगे, बहुत सारी सब्जियाँ,
मिलेगी आपको, बहुत सारे पत्ते मिलेंगे आपको, तो आप बहुत सारे प्राणियों को देख सकते हैं वो सब क्या खाते हैं। अगर वो हम खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं और कुछ नहीं करना जी। और ये भी बताइए कि आप ऑफिस जाते हो, आपके स्टाफ में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो भी आपको देखते हैं, कुछ आपसे पूछते हैं कि क्यों ये सब खा रहे हो? हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं अकेला फ्रूट खाता था, सब अपने टिफिन लाते थे और खाते थे जी। लेकिन सबको ऐसा लगा कि ये सर ये खा रहे तो हम भी ट्राई करते, तो सब बहुत अच्छे हमारे स्टाफ के, मेरे फ्रेंड्स और हमारे स्टाफ के शिक्षक बहुत अच्छे है, तो उसने लगा कि भाई हम भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं कैसा लगता है, तो उसने खाना शुरू किया तो उसे भी अच्छा लगा। तो मेरे स्कूल में ज़्यादातर टीचर्स ज़्यादातर फ्रूट्स साग भाजी खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो कहते हैं कि भाई 5 बजे तक है ना पढ़ाना, बहुत मज़ा आता है जब फ्रूट खा के पढ़ाते हैं। इतना परिवर्तन आ गया। हाँ। मुकेश भाई, आप और आपका परिवार पूरा यहाँ पे आया और आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा प्रोडक्ट चाहिए या फिर हमारी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू।